बॉलीवुड इंडस्ट्री में टैलेंट की भरमार है। लोग इस इंडस्ट्री में अपने टैलेंट की वजह से आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आने के लिए सात समुद्र का सफर तय किया और संघर्ष भी किया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिलबर गर्ल नोरा फतेही की, जिनके गानों ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। और बर्थडे पार्टी से लेकर बड़े फंक्शन में नोरा के गाने जरूर बजते हैं। वहीं इतनी कामयाबी हासिल करने वाली नोरा ने अपने करियर की शुरुआत जीरो से की थी। वहीं आपको बता दे कि नोरा 6 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रही है। तो इसी बीच आइए हम आपको बताते हैं साकी गर्ल की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से को बारे में। दरअसल दिलबर गर्ल नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ था। वहीं नोरा डांसर के अलावा मॉडल भी हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर जगह बनाई है और अपने गानों के जरिए वह आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। वहीं नोरा को फिल्मों से ज्यादा गानों में देखा गया और उन्होंने जिन भी गानों में अपने डांस मूव्स का कमाल दिखाया वे सुपरहिट हुए हैं। वहीं नोरा ने फिल्म रोर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। यही नहीं, नोरा ने फिल्म रोर में कमाल का अभिनय किया था। वहीं इसके बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों में काम करने के ऑफर मिले, जिसके बाद नोरा को रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 9 में भी देखा गया, जहां उन्हें लोकप्रियता मिली। इतना ही नहीं, बिग बॉस शो में नोरा ने अपने गेम से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई थी। वहीं इस शो के बाद नोरा ने रियलिटी शो झलक दिखला जा में हिस्सा लिया, जहां इस मंच से नोरा ने अपना टैलेंट दुनिया को दिखाया, जिसके बाद नोरा की जबरदस्त डांस मूव्स की दुनिया दीवानी हो गई। वहीं आज भले ही दुनिया नोरा को सफल अभिनेत्री के रूप में देखती है, लेकिन नोरा ने इस मुकाम पर आने के लिए काफी संघर्ष किया। दरअसल नोरा जब पहली बार भारत आई तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। दरअसल इस बात का खुलासा खुद नोरा ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। नोरा ने बताया था कि अपना पेट पालने के लिए उन्होंने कॉफी शॉप में भी नौकरी की थी। इतना ही नहीं, नोरा टेलीकॉलर की भी नौकरी कर चुकी है। वहीं करियर के शुरुआती दौर में नोरा लॉटरी टिकट बेचती थी। वहीं आपको बता दें कि नोरा ने अब अपने करियर में काफी सफलता हासिल कर ली है। नोरा के पास अब काम और पहचान की कमी नहीं है। वहीं नोरा ने जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते में दिलबर दिलबर गाने से सभी का दिल जीता था। वहीं इसके बाद वह सलमान खान के साथ फिल्म भारत में नजर आई। इतना ही नहीं, नोरा जॉन की फिल्म बाटला हाउस में साकी साकी और स्त्री में कमरिया गाने पर भी अपने डांस का दम दिखा चुकी है। वहीं नोरा आज बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री में से एक है। वैसे नोरा फतेही को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।